देखो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? देखो शुरुआत कहाँ से होती है? इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक मतलब होता है प्रेशर, रुका हुआ, चल नहीं रहा, चार्ज यहाँ पे मूव नहीं करे। यही इलेक्ट्रॉन जो है यही किसी सिस्टम में चार्ज आना या ले जाने का काम करता है। कोई भी एटम होगा उसमें दो ही तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव जो कि सेंटर पे पाया जाता है न्यूक्लियस में, प्रोटॉन या जिसे कहते हैं प्रोटॉन सेंटर पर, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है जो आउटर ऑर्बिट में पाया जाता है। जब आउटर ऑर्बिट में पाया जाता है तो बहुत आसान होता है, ऐसे पुश करके बाहर निकलता है, थोड़ी सी एनर्जी से तुरंत बाहर निकलता है। यही जो है इलेक्ट्रॉन, यही जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चला जाएगा तो चार्ज एक्सचेंज होता है, यही इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यही इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा, तो सारा कम ये इलेक्ट्रॉन कम है, इसीलिए धन से इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, चार्ज जब रेस्ट में रहे इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एक ब्रांच होती है that deals with the study of charge at rest. charge की rest पे position, जब charge चल नहीं रहा हो, rest पे हो तब उसकी study करते हैं, तो उसकी electrostatic होती है। तो electrostatic पढ़ने के सबसे important चीज है charge, कि भाई ये charge होता क्या, पहले इसको अच्छे से पढ़ेंगे फिर इसके आगे जितने कॉन्सेप्ट बनते हैं फिर उसको पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं चार्ज के बारे में, क्या है चार्ज, हेडिंग का विचार नेट चार्ज जीरो है, लेकिन सब्जेक्ट में अभी भी इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर,
इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स है तो इसके अंदर चार्ज तो होगा ही होगा, चाहे इसका नेट चार्ज जीरो होगा। और कब? जब ये पार्टिकल से मिलकर बना होगा। सबसे छोटा पार्टिकल हमारे पास एटम है, अगर कोई एटम होगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही तभी तो एटम है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगर कोई पार्टिकल है ये चौकी, इसके पास भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है, इसका नेट इफेक्ट चाहे जीरो नजर आता है, चाहे कुछ भी हो जाए इसका नेट इफेक्ट अगर जीरो है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, तभी तो पैरा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक ऐसे ऐसे हम लोग बताते हैं। फिर तीनों प्रॉपर्टी संसार के सारे बॉडी में होती है। हमने अभी फिजिक्स में हम लोगों ने सॉलिड में पढ़े थे पहले भी, डेंसिटी मास के बराबर ग्रेविटेशन में पढ़ा गया। अभी हम यहाँ पे इसके बारे में डील करेंगे, चार्ज के बारे में, और दो तीन चैप्टर बाद हम मैग्नेट के बारे में डील करेंगे। तो अभी पहले हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं। चार्ज एक प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, क्या होता है किसी भी पार्टिकल या किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज को अगर डिफाइन करना हो तो चार्ज कैसे डिफाइन करें, इट इज अ प्रॉपर्टी। भैया 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 भै